हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जो मुदल गांव के रहने वाले हैं और जो छोटी बेटी है जिनकी इनकी पोत्री है और जो 1 साल और 1.5 महीने की है और जो बता रही कि कल दोपहर जो बेटी ऐसे बेड से नीचे गिर पड़ी थी और जिसके कारण इसके सिर में काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी थी और इसके हाथ पाँव भी ऐसे मुड़ चुके थे और जो मुँह से बोल भी नहीं थी रही और इनके पास कोई भी पैसा नहीं था कि जे डॉक्टर के पास इसको लेकर जा सकते और जे काफ़ी परेशान हो चुके थे और जे बता रहे कि जैसे दोपहर के टाइम जैसे चर्च में लेकर आए तो जे सिस्टर बता रहे कि जैसे जे चर्च में आए तो जो चर्च की टीम थी वो विजिट में गई थी और जो कुछ लोग ऐसे भवन में चर्च में रहते थे वो चर्च के काम के लिए ऐसे बाहर रोड पर गए थे तो जिसके कारण इनको कोई भी चर्च में नहीं था मिला। तो जैसे जे ऐसे बाहर मेन गेट पर थे तो ऐसे इन्होंने पहले आवाज़ लगाई तो ना मिलने के कारण परमेश्वर ने इनके मन में शुभ इच्छा को लगाया। तो जी सिस्टर बता रही कि परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि जो ऐसे मेन गेट से इन्होंने मिट्टी ली और इसके सिर पर लगाई और तुरंत ही इससे समय जो बता रहे कि लगाने के बाद इनकी बेटी ने मुँह से इसकी बुआ का नाम बोला और जी बहुत खुश हुए कि जो एक समय से पहले कुछ भी नहीं थी बो रही और इसके सिर में भी स्वेलिंग थी उसके हाथ पांव भी मुड़ गए। तुरंत मिट्टी लगाने से ही परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य इनके जीवन में दिया और आज हम देख सकते कि इनको जो सिस्टर बता रही कि जो डॉक्टर के पास भी नहीं गए और जो कल से इनकी बेटी पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी है और बातें भी कर रही है और परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही को इनके जीवन में बनाया। जो बहुत खुश है इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। आपने आज एक टेस्टामनी सुनी एक सिस्टर की, सुनी ना आप सबने, सुनी कि नहीं सुनी कि वो उसकी बेटी बेटी है कि किसकी, क्या बोल रहे थे, उसकी पोत्री थी। पोत्री कितने समय की थी? 1 साल और 1.5 महीने की। 1 साल और 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। कौन लोग हैं उनको बोलो आगे आओ। हाँ आगे लेकर आओ उन्हें, देखो है ना। तो इन चीजों को आपने पकड़ना है, बोलो क्या है, इन चीजों को आपने पकड़ना है। ये आपकी पकड़ के ऊपर है कि आप अगर उस वचन को उस, क्योंकि गवाही भी क्या है, एक वचन है, गवाही भी क्या है, हाँ ठीक है। तो ये कितने समय की, 1 साल और 1.5 महीने की, 1 साल और 1.5 महीने की। हाँ, हाँ, जी, हाँ कल ये बेड के ऊपर से नीचे गिर पड़ी। हाँ जी। और एकदम से क्या हो गया था इसे? हाथ भी मुड़ गए थे बस, इस तरह तो उन चोट ली थे, बोल भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, इसके हाथ पांव मुड़ गए और इसके अपनी गर्दन को ऐसे टेढ़ा कर लिया। हाँ जी। हाँ, और ये बिल्कुल भी बोल रही नहीं रही थी। हाँ जी। वैसे बोलती है ये? हाँ जी। आज पैसा भी नहीं कोल कोई है, तो मेरा छोटा बेटा कहता कि हूँ कितने लेके जाइए डॉक्टर को, गए तो उन्हें पैसे मंगने। मैं है कि होर तो कोई था नहीं, हड़ा एक कोई था। इसीलिए सुनो, पैसे नहीं थे। क्यों बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज किन लोगों के लिए, किन के लिए? हाँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो गरीब व्यक्ति होता ना, जिसके पास कुछ नहीं, उसका विश्वास उसका भरोसा भी ज्यादा होता है। सच्ची क्या, क्योंकि जिसके पास है उसके पास ऑप्शन है, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कोई बात नहीं। हाँ, इसीलिए क्यों लिखा 1 कुरिन्थियों 1:26 में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को जो कुछ भी नहीं, हाँ, उन्हें अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हाँ, अभी पैसा नहीं, हालात तो आ गया, बोलो क्या है, हालात आया। और एक गरीब बंदे का विश्वास ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पैसा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और आपने फिर क्या किया कल जब आपके पास पैसे नहीं थे? मैं अपने बेटे ने क्या मोटरसाइकिल काट, कहता तेल नहीं है, मैं तेल है मोटरसाइकिल से काट, चर्च लैके जाइए और कितने नहीं, उतो ठीक हो जाना। कहता कि मम्मी ठीक हो जू, मैं वड्डी गुड़िया भी भुई दे दी ठीक हो गई ही, तेने भी ठीक हो जाना, वेखी जो दवाई लैके गए उससे वे ठीक हो। हाँ, अब सुनो, इन्होंने विश्वास किया और अपने बेटे को बोला कि हम चर्च जाएंगे। बोलो क्या है, हम चर्च जाएंगे, बड़ी बेटी भी यहाँ से हमारी सही हुई और ये भी हो जाएगी। हाँ देखो, क्योंकि इनका विश्वास था, इनका विश्वास था कि परमेश्वर करेगा। हाँ, और जब जे जहां पे आए तो गेट बंद था। हाँ,
गेट बंद, हाँ गेट बंद था और आपने किसी को बुलाया और कोई बाहर नहीं आया। हाँ सुनो, कोई बाहर नहीं आया और फिर क्या हुआ कि एकदम से परमेश्वर ने इनके मन में अपनी शुभ इच्छा को डाला। क्या डाला? कि आप क्या करो, इस चर्च की है ना गेट के बाहर इन्होंने मिट्टी को लिया और इसके बेटी के सिर पर क्या लगाई, उस मिट्टी को लगाया। हाँ जी। और उसी समय ये बेटी बोलने बोलने लगी और जो इसके तालू में इसके सिर में सूजन पड़ी हुई थी क्या हुई थी, और एकदम से वो भी सही हो गई। देखो इसीलिए यीशु ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं। हाँ देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, क्योंकि जब विश्वास से आए कोई नहीं मिला तो परमेश्वर जानते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो परमेश्वर को पता है ना कि ये मेरे पास आए। आप किसके पास आए हो, आप सब किसके पास आए हो, परमेश्वर के पास ही आए हो ना। वो कौन है, वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अभी परमेश्वर जानते थे ये आई, अगर कोई नहीं मिला परमेश्वर ने मन में डाला मिट्टी को लगा। हाँ जैसे यीशु मसीह ने अंधे की आंखों पर क्या लगाई थी, मिट्टी लगाई थी ना। तो देखो मैं चीज आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि इन्होंने मिट्टी लगाई और आप सुनकर आप भी मिट्टी लगाना शुरू करो, क्योंकि हर चीज बुद्धि से नहीं, बोलो क्या ही? क्योंकि हर चीज बुद्धि से नहीं करना कि अगर इन्होंने मिट्टी लगाई तो मैं भी मिट्टी लगाऊं। आपको परमेश्वर आपकी चंगियाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए आपको बताएगा कि क्या करना है। आमीन, बोलो। आपको परमेश्वर बताएगा आपने क्या करना है, जैसे इसको परमेश्वर ने चंगा किया आपको भी परमेश्वर बताएगा मैं तुम्हें कैसे चंगा करूंगा, मैं तुम्हें कैसे आशीष करूंगा। आमीन, ओके ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दें।